जो है ना आप लोगों को दर्शन करवाने वाले, जितना भी होगा खुद भी दर्शन करेंगे और भगवान से आशीर्वाद भी लेंगे। तो चलिए गाइज, आप लोग ब्लॉग में बने रहो और एक बार खुल के पूरा दिल से जय श्री राम कहें। तो दर्शन करने से पहले हम आ गए हैं मंदिर और मंदिर में हम लेंगे हनुमान जी का आशीर्वाद। गाइज, ये फूल जो आप लोग देख रहे हो ना, ये खुद स्वयं हनुमान जी ने मुझे दिया है। और जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो उस वक्त उनका जो ये फूल है वो मेरे पास आकर के गिर गया था, तो बस मम्मी मुझे वही उठा करके दे रही थी। और देखो दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम और लास्ट रामनवमी का जो मौसम है ना, काफ़ी सुहाना है। कितना छोटा सा है, भौंक कर रहा है सबको, बिल्ली है। देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ जो है ना वो काफ़ी कम है, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी लास्ट में निकले हैं घर से और भीड़ का हटने का इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इतना भीड़ रहता है ना कि आप पैर भी नहीं रख सकते हो। कहीं मत जाओ और हमारे ब्लॉग में बने रहो और देखो हम लोग क्या क्या करते हैं, पूरा मस्ती करते हैं।
मछली है वो, कौन जानते हैं मछली का बच्चा है ना बहुत सारा। हाँ गाइस देखो यहाँ पर हम लोग को मछली भी मिल गया पूरा ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश। ये बड़ा हो जाएगा सब पकड़ के इसको जाली में ले जाएगा। जा रहा है झुंड में सब है ना। हाँ और पानी कितना ऊपर तक आ गया ना, लग रहा है सब पैर डाल के वाओ कितना सुंदर पानी है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे आए हैं किसको, पता नहीं नहीं था इस समय। बाप रे कितना मछली है, अरे कितना मछली है, देखो ना बहुत, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, कितना सारा मछली है, ऐसा लग रहा पानी में पैर डाल करके बैठ जाए हमको भी। तो गाइस डालेगी क्या, सूख जाएगा तुरंत। तो गाइस आज है रामनवमी की सुबह और पिछले बार भी हम लोग व्लॉग डाले थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, इस बार भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा और जितना हो सके आप लोग को दिखाएं। और काफ़ी सबसे ज़्यादा सुकून तो यहीं पर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोले, इसीलिए कहा जाता है कि नेचर को प्रिजर्व करके रखो क्योंकि नेचर ही है ना जो आपको सुकून दिलाएगा। और मतलब खुद देखो ना यार, इतना मतलब पेड़ पानी यहाँ पर, और जो कमल खिला हुआ है ना, कमल तक तो पहुँच नहीं पा रहे लेकिन कभी मौका मिलेगा तो कमल भी निकालेंगे। और ऐसे सुनने में आता है कि कमल में मतलब सांप वाप रहता है ना, पता नहीं हमें जानते है ना गाइस, सही में सांप रहता है। हाँ कमल के नीचे सांप मतलब छुपा हुआ रहता है ऐसा कुछ। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा देर रुकते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। तो पानी डालेंगे पैर में और हजारीबाग से जो कोई भी देख रहे हो ना, और आप लोग अगर हमको जानते भी हो आप लोग कमेंट करो बताओ और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो सबको, सबको शेयर करो, पूरा फैला दो ठीक है। एक और चीज़ मिल रहा है, इसको बोलते स्नेल घोंगा। अरे मम्मी यहाँ पे देखो ये बिरनी भी है, पैर अच्छे से देना मम्मी, घोंगा घोंगा आ रहा है तुम्हारे पास, नहीं कट, अरे रे बिरनी बिरनी आ रहा, बिरनी 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 आ रहा है, अरे इन सब से नहीं डरते हैं भाई, बिरनी आ रही है ना, यहाँ पे पानी मतलब उतना भी साफ नहीं है, उधर देखो मछली और इधर घोंगा बोलते हैं इसको स्नेल। हाँ, स्नेल, अरे यार पैर नहीं होता है भाई, नहीं डरते सब पानी में। तो मम्मी तो पैर दे दी, गर्मी का स्पेशल शरबत सबको पीछा छोड़ देगा बहुत मीठा लगता है, मिक्सेस हाथ से ज्यादा मीठा लगता है।